हजरत मौलाना मोहम्मद हंजला रशीदाबाद जामा मस्जिद के इमाम मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ लाते हैं। हमने हजरत में तकलीफ से निकालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बहावत की है, तोड़े कर सीखने रखने दिया तो सब खुद हमने वक्त के नाम में मोहम्मद में मोहब्बत की है। जिसका मिलत में आपके सामने कितने कादरिया कितने कादरियत का खुदा का पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आया अपने नापाक कदमों पर रखा मुसलमानों को एक किताब का छीना, उसने देखा हिंदू भी हमारे गुलाम बन चुके हैं, सिख भी हमारे गुलाम बन चुके हैं, मुसलमानों की कौन है जो हमारे सामने नहीं झुक सकती वो तो एक खुदा के सामने अपने सर झुकाती है, हमारे सामने कभी सर नहीं झुकाती, हमारे सामने कभी झुकती नहीं है। उसने कहा जहाँ मुसलमानों का नाम निशान मिटाना पड़ेगा, यहाँ से हम इस्लाम को खत्म कर देंगे ताकि हमेशा के लिए यहाँ हमारा इख्तियार कायम हो जाए। उसने कहा मुसलमानों का नाम निशान मिटाने के लिए यहाँ से इस्लाम का नाम निशान मिटाने के लिए यहाँ से मुसलमानों को ईसाई बना दिया जाए। चाहे पूरी दुनिया से ईसाई नगर लीडिंग को बुलाया गया, ईसाई मिशनरियों को बुलाया गया, ईसाई पादरियों को बुलाया गया ताकि यहाँ से इस्लाम का नाम और निशान मिटा दिया जाए। लेकिन उलमा ने इस दानिश का भरपूर मुकाबला किया और उलमा ने ईसाई पादरियों को बुला कर किए नतीजा क्या निकला, उलमा ने इस दानिश का नाकाम बना दिया। अंग्रेज ने देखा हमारी इस दानिश नाकाम हो चुकी है, अंग्रेज ने कहा कि हम इनके उलमा को खत्म करेंगे क्योंकि इनके उलमा की वजह से इस्लाम बाकी है, मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद है। अंग्रेज ने लाखों उलमा को तख्ते-ए-कार पर लटका दिया, फांसी पर तख्ते पर लटका दिया और तोपों को कमानों पर उड़ा दिया। लेकिन फिर अंग्रेज ने देखा कि उलमा को इतने उलमा को खत्म करने के बाद ही हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं मिटा, मुसलमान खत्म नहीं हो सके। अंग्रेज ने कहा जब तक इनमें कुरान मौजूद है उस वक्त तक मुसलमान खत्म नहीं हो सकते, इस्लाम जिंदा रहेगा। अंग्रेज ने कहा हम कुरान को जलाएंगे। अंग्रेज ने लाखों कुरान ग्रंथों को जलाया लेकिन इस्लाम पता नहीं हुआ, मुसलमान नहीं हुए। फिर अंग्रेज ने कहा हम गौरव फिक्र करेंगे कि वो कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, कौन सा हलवा इख्तियार किया जाए, हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाए, मुसलमान खत्म हो जाए। अंग्रेज ने मिर्जा गुलाम अहमद का अध्ययन को तरह किया, मिर्जा गुलाम अहमद का अध्ययन में और मेरे ग्राम में से इसके कौन से नहीं हुए कादियानियत इस्लाम के खिलाफ अदालत का नाम है, कादियानियत इस्लाम के खिलाफ बगावत का नाम है, कादियानियत इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी का नाम है। कहूँगा जिंदगी कैसी इसी गुस्मत का नाम है, जिंदगी कैसी इसी गुस्मत का नाम है। ऊपर का नाम हो तो हद तक जाना जा सकते।